ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ। दोस्तों, सबसे पहले तो इस प्रकार से देख लीजिए, ये पौधे बहुत ही सुंदर पौधे हैं, बहुत ही कीमती इसके फूल हैं। खासकर हम देवी देवताओं की पूजा में इस फूल का प्रयोग करते हैं। क्या आप इसका नाम जानते हैं? चलिए मैं आप लोगों को इससे परिचय करा देता हूँ। आज मैं आप लोगों को उस बर्दस्त इसका आयुर्वेदिक एवं चमत्कारी लाभ बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो को एक बार कम से कम अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यह पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। देखिए, इस प्रकार हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाती है, जो किसी न किसी को दूर करने में काम आते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में केवल ये पेड़ पौधे हमारे लिए केवल पुष्प ही रह जाते हैं, बस देवी देवताओं को चढ़ाने की ये चीज रह जाते हैं। हम इसके अगर आयुर्वेदिक प्रयोग जान जाए, सीख जाए, तो हम बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं और इसके हम चमत्कारी लाभ जान जा तो कई प्रकार की अपनी समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं, धन बांध बन सकते हैं, जीवन में चल रही तत्काल हम उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं, मैं असूम करके दिखाना चाहूंगा। इस प्रकार से इसके फूल होते हैं, पुष्प होते हैं। तो इस पौधे को गुड़ल के नाम से जानते हैं। यह रेड कलर के गुड़ल है। इनकी तीन प्रजाति आती है, एक वाइट कलर की होती है और यह जो है रेड कलर की, और एक जो आती है पिंक कलर की होती है। तो ये तीन प्रजाति खास करके ज्यादा महत्व होती है आयुर्वेद में और धार्मिक में, जो महत्व होते हैं पूजा पाठ करते हैं उसमें। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी लाभ की ओर ले चलता हूँ। सर्वप्रथम तो इस पौधे का नाम जान गए कि इसे गुड़ल के नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम हिबिस्कस है। आप इसे नेट पर या गूगल पर हिबिस्कस प्लांट करके सर्च करके देख सकते हैं। इसके बारे में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलेंगे। देखिए, ये पौधे आपके घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। आप जहाँ भी रहते हो, इसे बहुत से लोग अपने गमलों में या बहुत से लोग अपने बगीचों में इसे शोभा के लिए लगाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गार्डन में भी इसे शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। आइए मैं आप लोगों को इसके कुछ आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। सर्वप्रथम जानते हैं कि जो गुड़ल नाम का पौधा है, इस पौधे को लगाने से क्या होता है। चलिए मैं आप लोगों को इसके धार्मिक महत्व बताऊंगा, फिर इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, फिर इसके विभिन्न प्रकार के और चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक आपने ओम नव शिवाय नहीं लिखा है तो ओम नव शिवाय जरूर लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक कर भविष्य ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहाँ पर लगाया जाता है वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। पॉजिटिव एनर्जी जो निगेटिव एनर्जी होती है, इसे यह खत्म करने का काम करता है। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है, व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है, व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलती है, व्यक्ति को मानहानि, धनहानि एवं चरम संबंधित बीमारियां आती है। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण हैं। इन लक्षणों को समझकर आप समझ सकते हैं कि आपको भी अगर सूर्य दोष लगा है तो यह पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। यह भी माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, ध्यान से सुनना, फिर भी यह पौधा घर में लगाते हैं तो आपका मंगल दोष दूर हो जाता है। मैं आप लोगों को इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार बना देता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है। अभी नहीं तो वह जानकारी आपको आगे चल करके काम जरूर आती है। चलिए आयुर्वेद की ओर बढ़ते हैं।
कि आयुर्वेद में इसके कौन कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और किस बीमारी में सर्वप्रथम जानते हैं। पेट दर्द दूर करने के लिए ऐसा माना जाता है इसकी पत्ती को उबाल कर, जी हाँ, ध्यान से सुनना, इसकी सूखी पत्ती को उबाल करके चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहा अचानक से जो पेट में होने वाला दर्द है समाप्त हो जाता है। पेट में अगर कीड़े हो वो भी मर जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। ये भी माना जाता है कि पथरी की रामबाण दबा है। आप लंबे समय से पथरी के लिए दबा खा रहे हैं, लेकिन आपकी पथरी की बीमारी अर्थात आपके ग्रैंडस्टोन गुर्दे की पथरी किसी भी प्रकार की पथरी हो, वह पथरी जैसे समाप्त करने का काम करता है। यह पथरी को तोड़ने का काम करता है। अंदर से लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान है तो इसके पुष्प एवं इसकी पत्तियों का पाउडर आता है। मार्केट में हिबिस्कस पाउडर के नाम से सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या फिर आप चाहते हैं तो नेचुरली इसके पत्ते और इसके पुष्प का पाउडर बना लीजिए और इसके पाउडर को दो चम्मच या एक ग्लास गुनगुने पानी में डाल करके, या फिर दो ग्लास आपको पानी लेना है और उसमें एक चम्मच इसके पाउडर को डाल करके गर्म करना है। जब शेष एक ग्लास उसमें पानी बच जाए तब आपको छान कर पी लेना है और यह उपाय आपको खाली पेट करना है सुबह शाम। ऐसा माना जाता है केवल 15 दिनों तक इसके पाउडर को पीने से, जैसे हम विधि बता रहे हैं, इस विधि को करने से कैसी भी पथरी की बीमारी हो मूत्र नाल के माध्यम से गल करके बाहर निकल जाती है। आप जनहित एवं जन कल्याण के लिए जो लोग लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान रहते हैं आप उन्हें ये दवा दे सकते हैं। उसके बाद ये आयरन की कमी को दूर करता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आयरन के लिए टैबलेट खाते होंगे। अब से आपको टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके पुष्प की चाय बनाकर पीते हैं, इसके फूल की चाय बनाकर पीते हैं, इसमें आपको कुछ भी चीज नहीं डालनी होती है। गुड़ के साथ में आप इसे डालकर पी सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ रख लेना और इसका जो पुष्प है इसे आपको उबाल कर चाय जैसा बनाना है तो इसे चाय बनाकर, इनकी जो पुष्प का रस है इसकी चाय बनाकर पीने से आयरन की कमी को अर्थात ब्लड की कमी को, खून की कमी को पूरा करता है और शरीर में तेजी से आयरन की पूर्ति करता है, खून की पूर्ति करता है। फिर दोबारा कभी भी आपको जीवन में खून की कमी कभी भी नहीं आती है। खून की कमी किस कारण होती है, अगर हम वास्तु की ओर ले चले, एस्ट्रोलॉजी की ओर ले चले, तो खून की कमी मंगल के कारण होती है। मंगल से जुड़ा कौन सा कलर होता है, लाल कलर होता है। इसके बाद यह वजन घटाने में काम आता है। जैसे आप वजन घटाना चाहते हैं, आप में से अधिकतर ऐसे लोग होंगे जो कि वजन घटाना चाहते हैं, तो ऐसा माना जाता है इसके पुष्प की चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। और जैसे लंबे समय तक भूख ना लगे तो जाहिर सी बात है आपका वजन घटेगा ही घटेगा, इसमें संदेह नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को अब इसके धार्मिक महत्व बताता हूँ। धार्मिक महत्व की ओर ले चलता हूँ तो माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा, इन दोनों को गुड़ल का पुष्प बहुत ही प्रिय है और साथ ही साथ भगवान हनुमान जी महाराज को यह जो गुड़ल का पुष्प है यह बहुत ही प्रिय है, क्योंकि यह रेड कलर के होने के कारण रेड कलर के जितने भी पुष्प है महा दुर्गा को समर्पित होते हैं। हमने नवरात्रि के समय में गुड़ल पुष्प के अनेकों चमत्कारी प्रयोग बताए हैं, क्योंकि माता रानी को चरते हैं और क्यों हनुमान जी महाराज को चरते हैं, क्यों यह माँ लक्ष्मी को चरते हैं, तो विशेष मनोकामना के लिए इस फूल को चढ़ाया जाता है। सुख समृद्धि चाहिए, धन संपदा चाहिए तो इसे चढ़ाया जाता है और मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से चढ़ाया जाते हैं। अगर किसी को मंगल दोष लगा है तो मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ अगर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, रक्त संबंधी कोई बीमारी है, चर्म रोग संबंधी कोई बीमारी है, या फिर शादी के बाद अपने पार्टनर से मनमुटाव बन गया है, या फिर बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो लोग शादी करते हैं लेकिन उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है, या फिर बहुत सारी ऐसी माताएं बहने होती है जो कि विवाह कर चुकी है लेकिन उनके पति की डेथ हो जाती है, यह सब क्यों होता है, यह मंगल दोष के कारण होता है। यह हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं मंगल दोष के कारण अगर आपके जीवन में लगा है तो आप कितने भी विभाग कर लीजिए, आने वाली आपकी जो पत्नी है अगर वह भी मांगलिक नहीं है तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो एक काम जरूर करना, मंगल को बलवान करने के लिए आपको मंगल दोष लगा है उसे दूर करने के लिए गुड़हल के पुष्प का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं और गुड़हल के पुष्प की केवल आप नित्य ज्यादा मत कीजिए, कम से कम 3 महीने तक एक पुष्प ज्यादा नहीं कर सकते हैं,
तो एक पुष्प हनुमान जी महाराज को नित्य श्री राम जी का ध्यान करते हुए एक ही पुष्प अगर आप नित्य 3 महीने तक चढ़ा देते हैं, हनुमान जी महाराज को तो कैसा भी मंगल दोष हो, मंगल दोष का नामो निशान मिट जाता है, क्योंकि मंगल दोष लगने के कारण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति नहीं पाती, खासकर मंगल दोष जीने लगता है, उन्हें वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी आती है, उनका जो वैवाहिक जीवन है बहुत ही कष्टों से गुजरता है। इसलिए बता रहा हूँ कि जिन्हें मंगल दोष लगा है, या फिर जो भाई ऐसी है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर जो बहन हमारी वीडियो को देख रही है, क्योंकि भविष्य ज्ञान एक चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है, जो बहन हमारी वीडियो को देख रही है, मैं उन्हें बताना चाहूँगा, अगर आपको मंगल दोष लगा है जिसके कारण आपका विवाह होने में अगर विलम्ब आ रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जो गुड़ल के पौधे है उसे आप अपने घर में लगाइए और इसका एक पुष्प प्रतिदिन आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं। देखिए, हनुमान जी महाराज को स्त्री को छूना नहीं होता है, उन्हें स्पर्श करना वर्जित है, लेकिन हनुमान जी महाराज की आप पूजा कर सकते हैं। आप उन्हें दूर से यह पुष्प चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक पुष्प चढ़ाई, अगर 5 पुष्प चढ़ाते हैं तो ये अति उत्तम है, लेकिन मैं इसलिए एक पुष्प में बता रहा हूँ सामर्थ्य अनुसार, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें डेली ये पुष्प नहीं मिल पाते हैं, तो आपसे मन पड़े जितने पुष्प मन पड़े बिल्कुल ही चलाई, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ये उपाय कोई भी कर सकता है, बिल्कुल ही मंगल दोष लगा है वह दूर हो जाएगा, और यह उपाय करने के बाद हनुमान जी महाराज की कृपा भी प्राप्त होती है। जो लोग नित्य इसके 2 से 5 पुष्प हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं, दोस्तों फिर ऐसे व्यक्ति को अष्ट सिद्धि और नौनिधि की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है, और हनुमान जी महाराज आपके जीवन में चल रही प्रत्येक परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में यहाँ तक यह भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान से सुनिएगा, लाल किताब में यहाँ तक यह भी लिखा है कि कोई व्यक्ति शनि के सारे साथी दहिया या फिर पौनी दशा से परेशान है, तो उसके 5 पुष्प श्री राम जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दिए जाए तो कैसी भी शनि की पीड़ा हो वह समाप्त हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शुक्रवार के दिन इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसके 21 पुष्प ध्यान से सुनना, इसके 21 पुष्प की माला बनाना है, और संध्या काल में ना दिन हो ना रात हो जो मध्यम समय कहा गया है, संध्या काल में इसे माता लक्ष्मी को घी का दीपक जलाकर के विशेष मनोकामना बोलते हुए इसके पुष्प की माला बनाकर के माता लक्ष्मी को चढ़ाई, आपकी वह मनोकामना पूर्ण होती है। यह माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ाए जाते हैं। कोई विशेष मनोकामना हो तो केवल 3 शुक्रवार तक यह उपाय कीजिए, 100% लाभ मिलता है, इसमें संदेह बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह प्रयोग प्रमाणित है, हम बहुत से लोगों को करा चुके हैं। इसके बाद बताना चाहूँगा, में से ऐसे लोग हैं जो कि माता रानी के भक्त है, अर्थात माता नो दुर्गा जी के भक्त है, तो एक काम करना, अगर आप माता रानी से कुछ विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान चाहिए, पति की लंबी उम्र चाहिए, धन सुख वैभव सब कुछ चाहिए, मनोवांछित आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, कोई विशेष आपकी मनोकामना हो तो ऐसा माना जाता है। शुक्ल पक्ष के ध्यान से सुनना, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से या फिर सोमवार के दिन, शुक्ल पक्ष के गुरुवार या सोमवार के दिन से इसके 9 पुष्प की माला बनाकर नित्य आपको 9 दिनों तक रात्रिकाली 9 बजे के बाद में आपको माता नव दुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक इसे चढ़ाना होता है, और रेड कलर के आपको गुड़ल का प्रयोग करना है। कोई विशेष मनोकामना है तब ये उपाय करना है, बिल्कुल ही उस मनोकामना पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। अगर आप यह उपाय कर लिए तो खासकर के माता नव दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुड़ल के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है, हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में लिखा है, अगर माता नव दुर्गा को गुड़ल का एक पुष्प चढ़ाए तो उसका पुण्य 1000 गौदान के बराबर होता है। 1000 आपको गौ माता का दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, केवल गुड़ल के एक पुष्प माता नव दुर्गा को चढ़ा देने से मिल जाता है। यह भी कहा जाता है, माता नव दुर्गा बड़े बड़े पकवान से, बड़ी बड़ी साधना से, बड़े बड़े जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े जो माता को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उनसे प्रसन्न जितना नहीं होती उतना केवल एक ही गुड़ल का पुष्प चढ़ा देने से हो जाती है। तो आप जो है
माता नवदुर्गा को कोई विशेष मनोकामना हो तो जैसे मैंने इस वीडियो में उपाय बताए हैं, यह उपाय को करें, बिल्कुल ही आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। लेकिन आपको इसे बीच में गैप नहीं करना है। नित्य आपको 9 दिनों तक चढ़ाना है। मंगल दोष लगा, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो यह उपाय जरूर करें। इस उपाय को जरूर करिएगा। और जो लोग चाहते हैं कि लंबे समय से जिनके घर में जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं बीमार पड़ जाते हैं, जो लोग बीमारी से ग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति एक काम जरूर करे। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कॉमेंट में जरूर बताए। और हाँ, कॉमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।